40 साल की राजनीति में कोई धब्बा नहीं लगा। धब्बा लगा कि अफजाल अंसारी गरीबों की लिए संघर्ष करता है, थाना घेरता है, तहसील घेरता है, डीएम का घेराव करता है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक लाल नया पैसा का आरोप नहीं लगा। डरी हुई है सरकार हमसे, भयभीत है वो राजनीति करने वाले लोग हमसे। मोदी जी के नाक के बाल है मनोज सिन्हा। 2005 में गाजीपुर की जनता से भेंट हो गई तो 2.5 लाख वोट से हराया था, 2,27,000 वोटों से। फिर पिछले चुनाव में भेंट हो गई, लहर थी पूरे देश में, फिर 2.25 लाख वोट से फैसला दे दिया जनता ने। वो गोला और आ जाए हम जस का तस रह, देखिए जीवन रह जाएगा, मरवा दे लोग तो बात और है, लेकिन जीवित रह जाएंगे तो गाजीपुर की जनता फैसला देगी। आप देखिएगा एक फिर नया इतिहास और कीर्तिमान बनेगा। 14 करोड़ की सड़क का शिलान्यास कर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने भाजपा पर बोला हमला। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी आज गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम के क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत बनने जा रही करोड़ों की सड़कों का शिलान्यास करने पहुँचे थे। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में दो सड़कों का सांसद अफजाल अंसारी ने लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास किया और बताया कि जिले में उनके प्रस्ताव पर 250 किलोमीटर की सड़कों का प्रस्ताव पास हुआ है जिसकी लागत लगभग 190 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि अब तक करोड़ों रुपए की लागत से 14 सड़कों का उद्घाटन भी उनके द्वारा गाजीपुर लोकसभा में किया है। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों और विकास कार्यों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और इससे क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क का 5 साल मेंटेनेंस रखरखाव भी करदाई संस्था ही देखेगी। इसके बाद उन्होंने पूर्व गाजीपुर सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के कार्यों के बदले उनके कार्यों की तुलना पर खूब चुटकी ली और कहा कि उनको हराना अफजाल अंसारी के लिए भोगना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फटीच हैं, 2024 में जनता फिर हिसाब करेगी। भैया पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत गाजीपुर में अपने इस कार्यकाल में 250 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का ये स्वीकृति हुई और उस पर काम चल रहा है। 190 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित हुआ। हमारा क्षेत्र आजादी की लड़ाई में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, किंतु विकास के दौर में पिछड़ गया। विकास में एक बहुत बड़ा साधन है मार्ग का साधन, तो पीएमजीएसवाई योजना में एक अवसर है उस क्षेत्र का सांसद मानक के अनुरूप उन सड़कों का प्रस्ताव देगा तो उसी का प्रस्ताव और उसी का अनुमोदन और उसके बाद एस्टीमेट स्वीकृति और बजट का आवंटन, फिर टेंडर, फिर शिलान्यास और फिर निर्माण और उद्घाटन। तो अब तक अपने क्षेत्र की मैं लगभग 14 सड़कों का उद्घाटन कर चुका हूं जो पूर्ण हो गए और अब जिनके टेंडर बन के बांध हो गया है तो उनका हम शिलान्यास करने का कार्यक्रम, शुभारंभ करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। जिस कड़ी में आज दो सड़क कुसमी कला से मदनही भटौली चोचकपुर होते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क है, तमाम गरीबों की आबादियां हैं इस सड़क के ऊपर। कितने किलोमीटर का होगा ये? है 6 किलोमीटर 725 मीटर और 7,81,00,000 की लागत से। और ये दूसरी सड़क आज जो हम अभी यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं ये मनिहारी ब्लॉक की, ये गौसपुर हरिहरपुर सराय गोकुल रोड है, ये 5 किलोमीटर 150 मीटर और ये 6,21,38,000 के मानक से पैसे से ये बनेगी। 5.5 किलोमीटर सड़क होगी, उच्च कोट के मानक से बनेगी, 5 साल तक इसमें कोई कमी आएगी तो उसकी मरम्मत भी वही ठेकेदार करेगा और अच्छी गुणवत्ता युक्त सड़क बने इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगल बगल में छोटा मोटा जो अस्थायी अतिक्रमण है हटाना पड़ेगा। ये क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर काम का काम